दोस्तों नमस्कार। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बड़े नंबर से हमारे एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और मेरे MLT परिवार के सदस्य बन रहे हैं। तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि गाइड बनके मैं हमेशा आपके साथ चलूं। तो आज जो विषय मैंने लिया है वो विषय है आपको करियर गाइडेंस देने के लिए जो छात्र अभी अभी 10वीं 12वीं BMLT और BSc DMLT पास हुए हैं और BVOC के स्टूडेंट्स भी जिन्होंने BSc किया हुआ है। तो पहले मैं बात करूंगा वो छात्र जो 10वीं कक्षा पास हुए हैं और जिन्होंने DMLT किया हुआ है। तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में ही जॉब मिल सकता है। आपको म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और बड़े बड़े डायग्नोस्टिक कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप सर्विस करते हुए प्राइवेट लैब के साथ डिस्टेंस एजुकेशन से और प्राइवेट क्लासेस में जाके 12वीं पास करें और 12 के बाद में डिस्टेंस एजुकेशन जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वैसे वहाँ से ग्रेजुएशन करें लाइफ साइंस सब्जेक्ट में। तो उसके बाद में आपकी डिग्री हो जाती है BSc DMLT और ये बहुत बड़ी डिग्री है और आगे जाके आपकी अच्छी तरह से तरक्की हो सकती है। गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी में जॉब मिल सकता है और बड़े बड़े डायग्नोस्टिक कंपनी और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी में भी जॉब्स मिल सकती हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में शुरू में आपको 10,000 रुपये का जॉब मिलता है। अभी मैं बात करूंगा वो छात्र जिन्होंने 12वीं के बाद में DMLT किया हुआ है। तो उन्हें भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट में और बड़े बड़े कंपनियों में जॉब मिलना मुश्किल है क्योंकि उन्हें ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी क्या करें कि पहले आप डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन करें और वो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन देने वाले कम से भी यूनिवर्सिटी से। सिर्फ ये देखें कि ये जो कोर्स उनका जो BSc का दे रहे हैं वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो बाद में आपका भी क्वालिफिकेशन बनता है BSc DMLT और फिर आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। अब मैं उन छात्रों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने MLT में ग्रेजुएशन किया है जैसे कि BMLT, BVOC या BSc के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट DMLT डिप्लोमा। अगर आपको गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में इमिजिएटली तुरंत अगर जॉब मिल रहा है तो हमें बहुत खुशी होगी, वो खुशी की बात होगी। मगर यदि नहीं मिलता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, वहाँ सैलरी होती है 10,000 रुपीज़। नाराज हो गए ना? नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको अच्छा एक्सपीरियंस डेवलप करना है और इसके लिए आप ऐसे लैब में जाइए जहाँ पे आपको हर एक सेक्शन लेबोरेटरी का जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी सारे सेक्शन में आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मिले, अनुभव मिले और आप हर एक सेक्शन में अपना जो भी उस सेक्शन से जुड़ा हुआ स्किल है वो पूरी तरफ से डेवलप करें। और इसके बाद में आप देखिए कि स्काई इज द ओनली लिमिट,
मतलब पूरा आसमान है आपको अपना एमएलटी का करतूत दिखाने के लिए। तो सैलरी कम मिलती है उसे नाराज होने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको अनुभव मिलता है वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इट्स वर्थ मिलियन डॉलर्स, मीन्स अनुभव लाखों के बराबर होता है। और उस एक्सपीरियंस के बाद आप देखते रहिए, जैसे जैसे वैकेंसीज क्रिएट हो जाते हैं तो आप अप्लाई करिए, आपको जॉब तो मिल ही जाएगा अच्छी लैब में। इतना ही नहीं, आपको हिंदुस्तान में, भारत में कहीं पे भी जाएंगे तो जॉब मिलेगा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर एक देश का एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसकी पूरी जानकारी आप गूगल में जाएंगे तो हर एक कंट्री का जो एग्ज़ाम है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो मैं आपको वापस कहता हूँ कि शुरू में अगर पैसे कम मिले तो उसे आपको नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप अपना एक्सपीरियंस अच्छी तरह से डेवलप करें। और ये बात जरूर देखें कि आप पूरी तरह से लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी लें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पाने के बाद में देखिए आपको कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती है। एक तो गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में अगर वैकेंसीज है और आपको जॉब मिला तो आपको 15,000 से लेकर 20,000 तक का जॉब मिल सकता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के हैसियत से। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप अप्लाई करें एक डायग्नोस्टिक कंपनी से कि जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और रिएजेंट्स सप्लाई करते हैं, वहाँ अगर आपको जॉब मिला तो आपको 20 से 25,000 तक सैलरी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने किसी भी कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में क्लिनिकल ट्रायल्स का जो काम होता है वहाँ अगर अप्लाई करें और आपको जॉब मिला तो वहाँ पे आपको 40 से 50,000 तक सैलरी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो व्यवसाय क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोग इसके बाद में के वीडियो में इन्फॉर्मेशन जानकारी दूंगा, ठीक है। और एक बात है वेरी इम्पोर्टेंट, ये बात ऐसी है कि गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स है और काफ़ी बड़े हिंदुजा के जैसे और टाटा के जैसे भी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर रिसर्च लेबोरेटरीज हैं और उन रिसर्च लेबोरेटरीज में काफ़ी अच्छा संशोधन का कार्य चलता है। वहाँ रिसर्च टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, सैलरी भी वहाँ अच्छी मिलती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप काम करते करते अपनी तरक्की भी कर सकते हैं एजुकेशन में, जैसे कि आप MSc कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं वहाँ से काम करते करते, ठीक है। फिर एक मिलियन डॉलर एडवाइस मैं आपको दूंगा, वो आप जरूर ध्यान में रखिए कि आप जब भी 10वीं नहीं तो 12वीं और BSc, BMLT जो भी कुछ डिग्री पा रहे हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी से, अपने इंस्टीट्यूट से ट्रांसक्रिप्ट कॉपी जरूर लें। वापस बोलता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट कॉपी आपको लेनी ही चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट कॉपी के जरिए ही आप जब भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं कहीं पे भी हिंदुस्तान में, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कम से भी कंट्री में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट कॉपी देखकर ही आपको एडमिशन मिल सकती है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट कॉपी क्या है? ट्रांसक्रिप्ट कॉपी में आपने हर एक
एमएलटी के एजुकेशन के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए जितने घंटे पढ़ाई की है उसकी जानकारी उस यूनिवर्सिटी को मिलती है और उस हिसाब से आपके लिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन से सब्जेक्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं वो यूनिवर्सिटी तय करती है। ओके, तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपको पास होने के लिए मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं और ऐसे ही तरक्की करते रही है। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि एक अच्छा किताब आपके साथ होना चाहिए और किताब आपको रोज पढ़ना है। रोज, जिसको क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में, कंटिन्यूस मेडिकल लेबोरेटरी एजुकेशन। तो फिर आप सीढ़ी से आगे आगे तरक्की करते जाएंगे। नहीं तो फिर आपको एक बात मालूम ही है कि जो जमा हुआ वाटर रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, तो हालत कितना बुरा हो सकता है कि अगर आप पढ़ते नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो अगली बार मैं आपके लिए एक नए विषय पर वीडियो लेके आऊँगा। और मेरी आपसे एक विनती है कि आपके चॉइस का, जो आपको अच्छा लगता है, ऐसे किसी भी विषय पर मैं बात करूँगा, आप मुझे सुझाव दीजिए YouTube पर चैनल के माध्यम से। और मैं आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। आप हमारे वीडियोस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाइए तो आपको पता चले कि नया वीडियो कौन सा आ रहा है। तो आखिर में मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आपकी एजुकेशनल और करियर के रास्ते पर अच्छी तरह से तरक्की हो। ऑल द बेस्ट, बाय।